हेलो, वेलकम टू विजन क्लासेस। मैं हूँ नवीन राघव और आज मैं आप लोगों को जो नई मेरिट लिस्ट आई है, जो कट ऑफ आई है एएलपी के लिए, रेलवे एएलपी के लिए, उसको मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हाँ, जो कट ऑफ थी, जो भी लोगों ने प्रेडिक्ट किया था यूट्यूबर्स ने, थोड़ा उससे ज़्यादा ही है ये। और उसके बाद दूसरी सबसे बुरी खबर ये थी कि रिजल्ट में भी थोड़ा बहुत चेंज किया गया। अगर हम बात करें थोड़ी पटना के कट ऑफ की, जो कट ऑफ जो है पटना की, वो 40 रही है रिजर्व उसके जनरल के लिए, और 40 एक ओके स्कोर इज़ फाइन, स्कोर सही है। बात करूँ मैं किसी किसी और स्कोर की, जैसे कि जहाँ पर लगता था कि मुझे कि यहाँ पे इतनी नहीं जाएगी, उतनी वहाँ गई है। ठीक, जैसे कि बात करें हम लोग भोपाल की, तो भोपाल की 64 कट ऑफ गई, जो कि बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा है एएलपी के लिए। ओके, तो एएलपी के लिए अपने आप में बहुत ज़्यादा कट ऑफ है ये। ओके, तो बात करें हम लोग अगर भोपाल की, तो भोपाल की 64 कट ऑफ गई है, 49 गई है एससी के लिए, एसटी के लिए 40, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी खासी कट ऑफ है, जो हाई फाई जितनी उम्मीद नहीं थी। जो बात करें सिकंदराबाद की, सिकंदराबाद देख सकते हैं आप लोग, रिजर्वेशन उसकी जनरल वालों के लिए 59, एससी वालों के लिए 41, एसटी के लिए 34, ओबीसी 52, अनरिजर्व 40, एससी 30, तो ये भी थोड़ी जितना हिसाब लगाया गया था लोगों द्वारा उससे थोड़ी हाई ही है। एंड क्योंकि आपके नंबर कम किए गए तो उसके हिसाब से अगर इतनी जा रही है तो इसका मतलब थोड़ी हाई है। ठीक है, और इसके बाद आता है मुजफ्फरपुर की, 40 है, बहुत लो है, मेरा सही है, यहाँ पर सिलेक्शन आपको अच्छा खासा मिल सकता है बच्चों को। और एससी वालों के लिए 32 है, एसटी वालों के लिए 28 है, ओबीसी के लिए 30 है, और जो एक्स सर्विस मैन उनके लिए 42, 51, मतलब कि स्कोर सही है वहाँ पे। बात कर रहे हैं हम लोग त्रिवेंद्रपुरम की, त्रिवेंद्रपुरम की 61 रही है, जो कि अच्छी खासी अपने आप में बहुत हाई गई है। एससी वालों की 39, एसटी वालों की 25, ओबीसी 60, और अनरिजर्व जो है एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 40 गई है। तो ये अपने आप में बहुत हाई कट ऑफ जो जा रही है। इसके रीज़न जो इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि बच्चों का पेपर और ऊपर से इसका नॉर्मलाइजेशन, और ये मान लीजिए कि ये कट ऑफ अगर और हाई होती, अगर स्कोर आपका कम नहीं किया हुआ होता, ठीक है, तो स्कोर कम हुआ था जाके इतनी हाई है, तो जो पीसीएम वाले हैं, जो पीसीएम कैंडिडेट हैं, वो थोड़ा सावधान हो जाएं। जो कट ऑफ लोग बता रहे हैं कि 70, 75 की रहेगी, तो वो ना मांगे चलें, क्योंकि कट ऑफ जो है वो 100%, 80 प्लस ही जाएगी। ओके, नेक्स्ट जो है वो है आपका कोलकाता रीजन। कोलकाता रीजन में जो 657 गई है कट ऑफ, ये भी अपनी खासी अच्छी खासी, मतलब कि आपकी जो है ज़्यादा रीजनों की 57 to 60 के हो गई है, लेकिन कुछ रीजन जैसे कि हो गए जो कि अपने आप में ऐसी मिसाल बना गए जो कि हाई कट ऑफ ले गए अपने आप में। तो जो इसकी है आपकी कोलकाता रीजन की 57 फॉर जनरल, एससी के लिए 33 है, एसटी के लिए 25 है, ओबीसी के लिए 38 है, एंड ज़्यादा फिर 40-30 चल रही है। उसके बाद बात करें अजमेर की, तो ये तो भाई खेल ही बिगाड़ देता है अजमेर वाले, तो इसके लिए जनरल में जो कट ऑफ है 65 रही, एससी के लिए 48 रही, एसटी के लिए 31 रही, ओबीसी 57, अनरिजर्व एक्स सर्विस मैन 40 रही। उसके बाद बात करें कट ऑफ इलाहाबाद रीजन की, इसका बहुत हल्ला मचता है कि इलाहाबाद की कट ऑफ कैसी रहेगी, तो उसकी कट ऑफ अब औरों के हिसाब से थोड़ी कम ही है। जनरल वालों के लिए 58 है, वहीं एससी वालों के लिए 33, एसटी वाले 25 पर सिलेक्शन लेंगे, ओबीसी वालों के लिए सॉरी 44 सही जब भी, और फिर एक्स सर्विस मैन की बात आती है, इसके लिए 41 और 37 की कट ऑफ रही यहाँ की। बात करें अगर गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी में भी अपने पे थोड़ा सही था रहा, उसके में 47 जो है जनरल वालों के लिए, एससी वाले 30 नंबर ला के सिलेक्ट हुए हैं, एसटी वालों के लिए जो कट ऑफ रही 25 रही, ओबीसी 35 पे गई। उसके बाद बात करते हैं चेन्नई, तो चेन्नई का अपने आप में एक अलग ही अंदाज रहा इस बार का, 59 गई है इसकी कट ऑफ जनरल वालों के लिए, तो एक अच्छा खासा एएलपी का कॉम्पिटिशन रहा होगा। एससी वालों के लिए 46, एसटी वालों 33, ओबीसी 54, ओके, और एक्स सर्विस मैन फिर 40-50 दे रही है। उसके बाद बात करते हैं ओके बेंगलुरु, बेंगलुरु की थोड़ी कमी है इलाहाबाद रीजन से, और इसकी जनरल जो 56 है, एससी की 30 है, एसटी 25, ओबीसी 48 और एक्स सर्विस मैन की 43। वहीं बात करें नेक्स्ट जो है आपका भुवनेश्वर की, जो भुवनेश्वर की कट ऑफ डाउन ही है, 40 गई जनरल वालों के लिए, एससी वाले 30 पे क्लियर हैं, एसटी वाले 25 लाख क्लियर हैं, ओबीसी वाले मिनिमम आपको 30 नंबर, मैक्सिमम आपको 30 नंबर, सर मिनिमम 30 नंबर लाने थे। बात करते हैं अहमदाबाद वालों की, अहमदाबाद की 52 कट गई है, ओके फाइन, एससी वालों की 32 गई है, एसटी वालों की 25 और ओबीसी 41, ओके। बात करते हैं चंडीगढ़ रीजन की, जिसका कि बहुत हल्ला मचता है कि वो थाई जगह, लेकिन तब भी ये दो अजमेर और उसके भोपाल के हिसाब से बहुत कम है इसकी। 59 बच्चों ने क्लियर किया है, तो मिनिमम आपके 59 नंबर होने चाहिए, एससी के लिए 43, एसटी के लिए 25, ओबीसी के लिए 47। इसमें आपको बता चुका हूँ कि ये नंबर आपके रिजल्ट जो नया रिजल्ट आया उसके हिसाब से, तो आप लोगों के रिजल्ट में भी नंबर चेंज हुए हैं, तो प्लीज़ अपने अपने जिनको भी लगता है कि उनके नंबर ज़्यादा थे तो नहीं, इनका सिलेक्शन तब भी नहीं हुआ, तो अपने एक बार रिजल्ट चेक कर लें, वहाँ पर रिजल्ट में आपको नंबर थोड़े चेंज मिलेंगे।
बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद 52 गई है, जनरल वालों के लिए, एससी वालों के लिए 32 गई है, एसटी वालों के लिए 25 गई है, ओबीसी वालों के लिए 41 कट ऑफ रही है आपकी। और इसका लास्ट रहा हमारा बिलासपुर, तो उसके लिए 57 कट ऑफ गई है जनरल वालों के लिए, जो कि अपने आप में अच्छी खासी कट ऑफ है बिलासपुर रीजन से। एससी के लिए 38, एसटी 25, ओबीसी 49, अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन 47, एससी 33। तो जो कट ऑफ गई है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस वक्त जो हुआ हुआ। और जो पीसीएम का जो रिजल्ट आने वाला है, पीसीएम जो कैंडिडेट और टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट जो बैठे हुए हैं और जिन लोग सोच रहे हैं कि हमारे इतने पे आ जाएगा, वो ऐसा वो ना सोचें, क्योंकि कट ऑफ क्या जाएगी ये बात किसी को नहीं पता, लोग बताने की कुछ भी बताएं लेकिन। ओके, तो जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, एंड आई होप कि आप लोग साइकिल तैयारी कर रहे होंगे और साइकिल तैयारी अच्छी तरीके करेंगे। और जिन लोगों का नहीं हुआ है, एएलपी में नंबर नहीं आया है, वो अपने वेट करें, उनका टेक्नीशियन में नंबर आ सकता है, तो वो लोग वेट करें। हाँ, और जो भी पीसीएम वालों की जो कट ऑफ चल रही है 75 75, वो हल्ला मचा रहा है, वो ना माने, क्योंकि मेरे ख्याल से कट ऑफ जो होगी वो 80+ ही जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।